हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शिष्यकार, अस्सलाम वालेकुम और आप सबको मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं आपको एक पेंटिंग दिखाने जा रहा हूँ जो पेंटिंग रिलेटेड है एब्स्ट्रैक्ट। डू यू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग? एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो होती है इस तरीके से बनाई जाती है कि आपने दो या चार कलर उसमें मिक्स किए हैं और साथ में आपने उन कलर का कॉम्बिनेशन करके उसको कैनवस के ऊपर शो करने का कोशिश किया है। तो आज जो मैं आपको पेंटिंग दिखाऊंगा वो पेंटिंग जो होगी लॉर्ड शिवा के ऊपर रिलेटेड है और उस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक दिन का समय लगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मेरी पेंटिंग की तरफ और आज हम आपको शो करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग एक दिन में बनाई गई है और इस पेंटिंग को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। और इस पेंटिंग में आपको बहुत सारे ओम दिखाई देंगे। आपको पता है हिंदू धर्म में ओम जो होता है भगवान शिव का चिन्ह है और ओम का जाप करने से आपको शांति मिलती है, मन की आत्मा प्रसन्न होती है और मनुष्य जो है एक सांसारिक सुख को छोड़कर आध्यात्मिक सुख की ओर चला जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड कि इस पेंटिंग में मैंने कितने सारे ओम बनाए हैं। इस पेंटिंग में मैंने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में शो करने की कोशिश की है और साथ में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली कलर्स यूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस साइड में कि कैसे ओम जो है वो धरती से निकलकर एक ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं और साथ में एक जो निर्विकार भगवान शिव का जो रूप है जो आदि अनंत काल से चलता आ रहा है उसमें ये सब जाकर मिल रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये पेंटिंग बनाई गई है, किस तरह से ओम को दर्शाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे ओम है और उनकी रेस हो रही है और वो सब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितने ब्यूटीफुली कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है और साथ में फ्रेंड्स, इस पेंटिंग को बनाने के लिए सिर्फ एक दिन लगा है मुझे। और माय डियर फ्रेंड्स, बनाने में तो ये पेंटिंग एक घंटे में भी बन सकती है, बट उसके लिए आपको स्ट्रांग इमेजिनेशन चाहिए और जो चीज़ आप सोच रहे हैं उस चीज़ को पेपर पे उतारने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक आर्टिस्ट की लाइन में, एक आर्टिस्ट की लाइफ में, अगर आर्टिस्ट के माइंड में जो भी कुछ चीज़ है अगर वो उसे शो करना चाहता है तो उसके लिए पहले उसे अपनी इमेजिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है और उसके बाद में उसको पेपर पे उतारता है। पेपर पर उतारते वक्त भी उसे काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, जो उसकी इमेजिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या जो चीज़ उसने सोची है वो पेपर पर पूरी तरह से शो की गई है या नहीं। एक तरह से इसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के साथ में कलर डिपिंग भी कहते हैं। आप कलर को ब्रश के साथ में डिप करके और कैनवस के ऊपर उसको डाला जाता है। देखिए, आपको इसमें काफ़ी तरह के ओम दिखाई देंगे जो अलग अलग शेप में अलग अलग कलर से बनाए गए हैं। देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई दिया किस किस प्रकार की आकृति इसमें बनी हुई है और किस किस तरह से इसमें ओम बनाया गया है। आपने देखा बखूबी इस पेंटिंग को बनाया गया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो है इसमें डाली गई है। और फ्रेंड्स, एक तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा ओम है जिसके एक साइड से प्रचंड अग्नि निकल रही है और एक साइड से शांत
आकार में ओम जो है मिल रहे हैं, और जो ये सबसे बड़ा ओम है, अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई देगी। पर फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान से इस पेंटिंग को देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने इस पेंटिंग को बनाया था और बनाना शुरू किया था, और जब इसके बारे में सोचा था, तब मेरी डिफरेंट तरह की थिंकिंग थी। बट जब मैंने इसको पेपर पे उतारा, तो उस टाइम पर ये कुछ और ही निकल के आया। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको बहुत ही अजीब तरह की आकृतियाँ दिखाई देंगी। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो इमेजिन कीजिए, बट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो आपने अभी तक इस संसार में देखा नहीं होगा। जैसे एक तरह से महाप्रलय आ रही है, और उस महाप्रलय से सिर्फ एक ही शब्द निकल कर आ रहा है, ओम। और जो वो ओम है, ब्रह्मांड में जाकर वो मिल रहा है, और उसके साथ में कई सारे ओम की उत्पत्ति हो रही है। वही ओम जो है दोबारा से धरती पर जा रहे हैं, और धरती पर आने के बाद वो दोबारा से ब्रह्मांड में मिल रहे हैं। थी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। उस पेंटिंग में आपने देखा बहुत तरह के ओम है, और काफी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के बारे में और अपनी खुद की पेंटिंग के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप पेंटिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या खुद को साबित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्ट्रांग इमेजिनेशन चाहिए, और स्ट्रांग इमेजिनेशन के साथ साथ में आपको उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आप उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, तभी आप उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको अगली पेंटिंग ज़रूर दिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर। जय श्री राम, राधे राधे, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।